पूरी दुनिया कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता में है। ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड ने कई अफ्रीकी देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका, सऊदी अरब, श्रीलंका, ब्राजील, जापान ने फ्लाइट्स बैन कर दी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में तो आपातकाल लगा दिया गया है। भारत ने भी नियम सख्त किए हैं। अमेरिका ने नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन की जल्दी पहचान करने और दुनिया के साथ इसकी जानकारी शेयर करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की प्रशंसा की है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट B.1.1.529 ने एक बार फिर सबकी चिंता बढ़ा दी है। डॉक्टरों के बीच इस बात की भी चर्चा होने लगी है कि कहीं यह नया वेरिएंट देश में तीसरी लहर का कारण न बन जाए। देश में स्कूल और कॉलेज खुले अभी कुछ दिनों ही बीते हैं, लेकिन छात्रों के बीच कोरोना संक्रमण ने पैर पसारने शुरू कर दिया है। देश के कई राज्यों से बड़ी तादाद में कोरोना संक्रमित छात्र छात्राओं की खबरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 83वें संस्करण के तहत आज राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, देश दिसंबर में नेवी डे और आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे मनाने जा रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा, हमारे देश में अनेक राज्य हैं, अनेक क्षेत्र हैं जहां के लोगों ने अपनी प्राकृतिक विरासत के रंगों को संजोकर रखा है। इन लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर रहने की जीवन शैली आज भी जीवित रखी है। ये हम सबके लिए भी प्रेरणा है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लिया। लखनऊ में 30 नवंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे कलेक्टरेट कर्मी। मिनिस्ट्रियल कलेक्टरेट कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। पुरानी पेंशन बहाली समेत विभिन्न मांगों को लेकर कर रहे आंदोलन कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी पेंशन अधिकार मंच के बैनर तले 30 नवंबर को इको गार्डन में करेंगे बड़ा प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में वोटरों की बात करें तो एक सर्वे में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिलता दिख रहा है। सर्वे में बीजेपी को 40% तक वोट तो वहीं समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों को 32% वोट मिलता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 8,588 पेड़ों को काटने की अनुमति प्रदान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को शामिल करते हुए सरकार ने आदेश जारी कर दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उम्मीद जताई है कि जापान अपने रक्षा बजट में वृद्धि करेगा। बाइडेन की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब किशिदा ने चीन और उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरों के बीच देश की रक्षा के लिए एक मजबूत आत्मरक्षा बल बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।